31 तारीख और 1 तारीख को बिहार शरीफ में दो पक्षों में जमकर टकराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। बिहार शरीफ अंदर ही अंदर सुलग रहा है, लेकिन एबीपी न्यूज उस जगह पहुंचा है जहां पर बिहार शरीफ में सर्वाधिक पत्थरबाजी हुई है। ये गगन दीवान मोहल्ला, देखिए ये गली है, इसमें सर्वाधिक पत्थरबाजी हिंसा के दौरान हुई है। ये देखिए इस गली में आपको हर जगह ईंट पत्थर नजर आएगा, जहां तक नजर जाएगी ईंट पत्थर ही नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा सड़क है वो ईंट पत्थर से पटा पड़ा है, शीशे टूट के जमीन पर बिखरे पड़े हैं। ये वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर बकायदा बोतलों से भी हमला किया गया है, शीशे फूटे पड़े हैं। आप देखिए कैमरा पर्सन विशाल आपको इस गली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको ईंट पत्थर ही यहाँ पे नजर आएगा। आप देखिए इस गली में अंदर तक ईंट पत्थरबाजी जो है दोनों पक्षों के बीच हुई है। रामनवमी के जुलूस के बाद 31 तारीख को इस गली में ये घटना हुई थी। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि एक प्लैंड वे में हुआ है। इतने सारे पत्थर हैं और जमीन पे बिखरे पड़े हैं, शीशे हैं। इधर देखिए, इधर भी एक गड्ढा जैसा है, इधर भी हर तरफ पत्थर ही पत्थर है, जमीन पर शीशे हैं। घरों में पत्थरबाजी की गई है तो शीशे टूट के जो है वो जमीन पे बिखरे हुए हैं। मैं आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा और आपको इस गली के नजारे दिखाऊंगा। देखिए हर तरफ यहाँ पे पत्थर है, घरों के अगल बगल, आमने सामने। ये गगन दीवान मल्ला को वो गली है जहाँ पे सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। दो पक्ष आपस में भिड़े हैं तो सर्वाधिक पत्थरबाजी जो है इसी गली में हुई है। एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है ताकि आपको इस गली के हालात जो हैं वो हम दिखा सकें। बिहार शरीफ में अभी भी हालात तनावपूर्ण है। 31 को घटना हुई है, 1 को हुई है, 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो बिहार शरीफ सुलग रहा है। आप देखिए इस गली में आप जहां तक बढ़ते जाएंगे हर जगह आपको बड़े बड़े ईंट पत्थर नजर आएंगे। पूरी सड़क जो है ईंट पत्थर से पट्टी पड़ी है। बिहार शरीफ अंदर ही अंदर जो है वो सुलग रहा है। तो आप सोचिए कितना भयानक मंजर होगा, जब वो भयानक मंजर हुआ होगा जब ये घटना यहाँ पे हो रही होगी। आप देखिए हर तरफ ईंट पत्थर भी बड़े बड़े आपको यहाँ पे नजर आएंगे। बिहार शरीफ के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में हम हैं। रात का समय है, रात में क्या स्थिति है इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। देखिए धारा 144 लागू है, सख्ती से धारा 140 लागू किया गया है। घर से किसी को भी निकलने के लिए भी मना किया गया, सबको कहा गया कि आप घरों में रहें। चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मी तैनात है। कोशिश यही है कि जो हालात है उसको कंट्रोल में किया जाए। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 31 को घटना हुई है, 1 को घटना हुई है। ARB, BSAP, STF, RAF, तो स्थानीय पुलिस तो चप्पे चप्पे पे जो है वो जवान यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। जो भी व्यक्ति संदिग्ध दिख रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, बकायदा उसकी तलाशी ली जा रही है। पूरे सड़कों पे जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। एक बस भी हमें नजर आ रही है, तो इसमें अंदर पुलिस कर्मी ही है। लगातार आला अधिकारी जो है वो भी पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। देखिये इसमें अंदर जो है आपको जवान ही नजर आएंगे। इनकी अभी ड्यूटी लगी है तो इनको ड्रॉप करने वो लोग जा रहे हैं। तो लगातार शिफ्ट वाइज जो है ARB के जवान है, BSAP के जवान जो है इस बस में नजर आएंगे। कोशिश यही है कि चीजों को, हालात को सामान्य किया जाए, शांति जो है यहाँ पे वो बहाल की जाए। 31 को घटना हुई है, फिर 1 को घटना हुई है, 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो जो रात में हालात हैं उसकी पड़ताल हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रशासन मुस्तैद है। नीतीश कुमार ने भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चप्पे चप्पे पर तैनात रहिए, किसी भी अफवाह पर कोई ध्यान न दे, शांति बहाल करने की कोशिश कीजिए। तो नीतीश ने जो निर्देश दिया है उसका असर भी खासा यहाँ पे देखने को मिला। देखिए एक और बड़े अधिकारी हैं जो अभी गाड़ी में गए हैं। तो नीतीश ने जो निर्देश दिया है कि चप्पे चप्पे पर तैनात रहिए, मुस्तैद रहिए, अफवाह पे ध्यान मत दीजिए, जो भी गड़बड़ कह रहे उसको बकसिए नहीं, तो नीतीश के निर्देश के बाद से पुलिस प्रशासन और हरकत में आ गई है। नालंदा नीतीश का गृह जिला है, बिहार शरीफ में दंगा भड़का है। तो कोशिश यही है कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और जो 31 तारीख को और 1 तारीख को जो घटना हुई है वो दोबारा ना हो। बिहार शरीफ में जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है हम लगातार उसमें पड़ताल कर रहे हैं कि रात में क्या स्थिति है। देखिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हर तरफ नजर आ रहा है। भारी संख्या में स्थानीय पुलिस, BSAP, ARB, STF, RAF के जवान तैनात किए गए हैं।
जो भी व्यक्ति आ रहा है जा रहा है उस पर नजर रखी जा रही है। वैसे कोई व्यक्ति सड़क पर नजर नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का कोई भी नजर आ रहा है तो उसको रोककर तलाशी ली जा रही है। कोशिश यही है कि शांति बहाल की जाए। देखिए आपको हम पुलिस की तस्वीर दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पे भारी संख्या में जो है पुलिस यहाँ पर तैनात है और हर गली में यहाँ पे सन्नाटा पसरा है। कोई भी आदमी जो है यहाँ पे सड़क पे नजर नहीं आएगा, हर जहां तक नजर जाएगी पुलिस वाले ही नजर आएंगे। देखिए कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सामने सड़क है, देखिए सुनसान सड़क है, हर तरफ शांति है, सारी दुकानें बंद है। आप तस्वीर देखिए, ये दंगा प्रभावित इलाका है, यहीं पे हिंसा भड़की थी। देखिए कहीं भी कोई भी व्यक्ति सड़क पे नजर नहीं आ रहा है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी दुकानें जो है वो बंद है। बस पुलिस की कोशिश यही है, प्रशासन की, कि जो घटनाएं हुई हैं वो फिर से नहीं हो, शांति बहाल रहे। और बता दें नीतीश का भी निर्देश है कि सख्त कार्रवाई करिए, जो भी गड़बड़ी कर रहा है मुस्तैदी दिखाइए, चप्पे चप्पे पे तैनात रहिए। तो इसके बाद से पुलिस जो है और ज्यादा अलर्ट मोड में आ गई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज, बिहार शरीफ।